वीरू एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण दैनिक वीडियो पर। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय हाई कोर्ट से बड़ी अपडेट आ रही है। बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पर अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो लगातार तेज हो रहा है। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के जो 17 जुलाई की सुनवाई पर रोक लगाई गई थी, आखिरकार उसकी सुनवाई कब होगी? पूरी तरीके से वीडियो पर अंत तक वॉच कीजिएगा, कोई सवाल आपका रह जाए कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर डियर पहली अपडेट लगी हुई है, प्रधानाध्यापक शिक्षकों के 1894 पदों पर भर्ती की मांग, एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती को किया घेराव। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों की 1894 पदों पर भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। सीपी सिंह सिंगरौर, ज्ञानवेंद्र सिंह आदि के लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं जो शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के जो बातें हैं उन पर भी बात की गई और शिक्षा निदेशालय का काफी बड़ी भरकम भीड़ के साथ कहीं ना कहीं घेराव किया गया है। संजय यादव से मुलाकात की गई जो कि अपर निदेशक है बेसिक के, और उनसे कहा गया कि भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक नहीं है। अपर निदेशक ने इस मामले में विधिक राय लेने का आश्वासन दिया है। तो आप जानते हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पिछले कई साल से पूरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। परीक्षा नियामक कार्यालय पर भी गर्जी अभ्यर्थी, एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने सोमवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज का घेराव किया। नगेंद्र पांडे समेत अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रभावी पैरवी न होने के कारण याचिका का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो संशोधित परिणाम है वो भी जारी कर दिया गया था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की जो याचिकाएं हैं वो माननीय कोर्ट में विचाराधीन है और जिसकी वजह से प्रधानाध्यापक और जूनियर की जो 1894 पदों की भर्ती है पूरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो सरकार है उसका कहीं ना कहीं लचर प्रदर्शन से, यानी कि सरकार खुद इस पर ढीला हवाली करती नजर आ रही है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट इसी से जुड़ी है। देख सकते हैं भर्ती को बेरोजगारों ने किया घेराव, प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के 1894 पदों की भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय का घेराव किया है। तो आप देख सकते हैं अब इसमें आखिरकार क्या होगा। ये अभी अपर शिक्षा जो निदेशक संजय यादव जी हैं उन्होंने कहा है कि भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक नहीं है, इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने से निराशा व्याप्त है। अपर निदेशक ने इस मामले में विधिक राय लेने का आश्वासन दिया है। तो जो अपर निदेशक है संजय यादव जी वो विधिक राय लेने की बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम विधिक राय लेंगे और फिर आपको अवगत कराएंगे जो भर्ती प्रक्रिया है वो आखिरकार कब तक पूरी हो पाएगी। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती काफी लंबे समय से पूरी तरीके से जो अभ्यर्थी हैं इस शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं और काफी लंबे समय से इसका जो रिजल्ट है रियर वो भी आप जानते हैं कि जो परिणाम है वो 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था। आप देख सकते हैं दो दो तीन तीन साल का समय व्यतीत हो रहा है और शिक्षक भर्ती पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई अब 26 को होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 में जो आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के मामला माननीय हाईकोर्ट में लंबित है और वहां पर कल इसकी एक सुनवाई हुई थी। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन मामले में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को नियत की है। मुख्य न्यायमूर्ति प्रतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर दिया है। इनका कहना है कि इस भर्ती में लगभग 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया में सही तरीके से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई, जो पूरी तरीके से गलत है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आप जानते हैं कि शुरुआत से ही विवाद के घेरे में है। इसमें एक अंक वाले अभ्यर्थी लगातार माननीय कोर्ट से जीते भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनको भी अपनी नियुक्ति का इंतजार है। 68 की सूची लखनऊ खंडपीठ के द्वारा रद्द कर दी गई है और पूरी सूची को रिविजिट करने का आदेश दिया गया था आप जानते हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ये अभ्यर्थी अलग मांग कर रहे हैं कि जो 68 सूची है इसमें दरअसल 19,000 जो अभ्यर्थी हैं उन
उनको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ये जिन दाखिल कार्य कब समाप्त होगा। फिलहाल इसकी अगली जो डेट लगाई गई है वो 26 जुलाई लगाई गई है। 26 जुलाई को पुनः इस पर फिर से सुनवाई होगी माननीय हाई कोर्ट में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट ये आप देख सकते हैं, टीजीटी 2021 हिंदी में 256 अभ्यर्थियों ने कराई काउंसलिंग। प्रशिक्षित जो स्नातक टीजीटी 2021 भर्ती की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी काउंसलिंग करवा रहे हैं। सोमवार को काउंसलिंग हुई है और 2021 टीजीटी हिंदी में 256 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, देवेश शर्मा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि जो 17 जुलाई की सुनवाई को ऐन वक्त पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की नोटिस जारी करके कहीं ना कहीं स्टे किया गया था, रोक लगाई गई थी, क्योंकि जो जज साहब थे उनको कहीं आपातकाल या किसी अन्य जो है वर्कआउट में लगा लिया गया था, माननीय अनिरुद्ध बोस जी को और वेंकटेश नारायण जी को जो जज हैं। और जो अब इसकी सुनवाई होनी है डियर, वो अगले सप्ताह होने की संभावनाएं हैं। तो आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बीएड पात्रता विवाद का फाइनल डिसीजन है वो भी जुलाई में आने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसी की वजह से इस ऑर्डर को, इस सुनवाई को कहीं ना कहीं आगे एक्सटेंड कर रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अनिरुद्ध बोस जी को ही इसका जो फैसला है वो देना है, क्योंकि अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है वो रिजर्व हुआ था 12 जनवरी 2023 को। बीएड पात्रता विवाद में नए नए जो मोड़ हैं आते जा रहे हैं और आखिरकार इसका जो फाइनल डिसीजन है वो कब आएगा, क्योंकि 6 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है और ये फाइनल डिसीजन को जल्द से जल्द डिलीवर्ड करवाने के लिए ही सुनवाई होनी थी। इसकी वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन पीआरटी सेक्शन का रिजल्ट भी पूरी तरीके से आना बाकी है, कई माह का समय उस पर भी बीत गया है और कई राज्यों की जो शिक्षक भर्तियां हैं वो रन में स्टार्ट होने वाली हैं और निश्चित तौर पर वहां पर जो पात्रता का विवाद है वो आड़े आ रहा है, क्योंकि हर भर्ती में जो मैटर है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन किया जा रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट अभी भी फिलहाल अपने जो ऑर्डर को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कब तक बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है वो डिलीवर करते हैं, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि जुलाई के इसी माह में हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।